पिछली वीडियो में हमने उन पहली पांच विशेषताओं के बारे में बात की है जिन्हें आप अपने प्रेमी या पति पर प्रभावित कर सकते हैं ताकि आप अपने घर को नियंत्रित कर सकें। और इस दिन हम आपको अपने घर और अपने पति की खातिर अन्य पांच गुणों के बारे में बताएंगे जो आपके पास होने चाहिए। शुभ संध्या चैनल के प्रिय प्रशंसकों, अनुयायियों और दर्शकों, दुनिया तुम्हारे साथ। यदि आप शामिल होते हैं या आप अभी भी एक नई दुल्हन हैं, या आप एक घरेलू महिला हैं और आप अपने घर में एक प्रबंधन बनना चाहती हैं, हमने पिछली वीडियो में पांच गुणों के बारे में बात की थी। वे आपके पति के लिए सच्चा और सच्चा प्यार हैं। दूसरा गुण जुनून और रोमांस था, और फिर ज्ञान और कारण। आपके पास ज्ञान और एक शांत दिमाग होना चाहिए, और आपको एक राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। और पांचवा गुण, आपके पास शक्ति और धैर्य होना चाहिए, इस मायने में कि किसी भी समस्या को खुद को टूटने न दे और जब तक आप इस समस्या से निजात नहीं पा लेते तब तक इसके लिए धैर्य रखें। जहां तक छठे विशेषण की बात है जिसका आपको वर्णन करना चाहिए, वह है नीरसता और लापरवाही। आपको अपने घर में, अपने कपड़ों में और अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता में हमेशा साफ रहना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके घर का सामान हमेशा साफ सुथरा और अत्यधिक व्यवस्थित और सजाया हुआ हो। खाने और रसोई के बर्तन हमेशा कीटाणुओं और बचे हुए से साफ और कीटाणु रहित होते हैं, और अपने घर को एक सुंदर सुगंध से हमेशा साफ सुथरा और सुगंधित बनाएं। अपने पति की उपेक्षा न करें, इस अर्थ में कि आप हमेशा उसकी देखभाल करते हैं, उसके कपड़ों और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, उसके कार्यालय और काम के उपकरणों का ध्यान रखते हैं, और उसे यह महसूस कराते हैं कि आप उसमें रुचि रखते हैं। सातवीं कक्षा के लिए यह अच्छा शब्द है। तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच अच्छी बातें होनी चाहिए। अच्छी बातें एक अच्छे पेड़ की तरह होती हैं। अच्छी बातें जो तुम अपने पति से बोलती हो, एक दयालु शब्द आपके पति को आकाश में चमकते पूर्णिमा जैसा बना देता है, और आप उसे शांत करते हैं और आपके प्रति एक मनोवैज्ञानिक आराम रखते हैं। एक अच्छा शब्द उसे अपने घर और काम में हमेशा सफल बनाता है। आठवां गुण जो आपको विशेषता होना चाहिए वह है ईमानदारी। जहां आपको अपने पति और अपने प्रेमी के प्रति ईमानदार होना चाहिए, इस अर्थ में कि आप अपने पति को उसकी कथनी और करनी की ईमानदारी जैसी हर चीज से सुरक्षित करती हैं, अर्थात यदि आप उससे किसी बात के बारे में बात करती हैं, तो आपको अपने शब्दों और कार्यों में ईमानदार और स्पष्ट होना चाहिए और उसे आप पर संदेह न करें। डरे और आप पर विश्वास खोना आपके लिए और आपके घर और घर के लिए खोजने और प्रयास करने के लिए, और आपको उसके साथ ईमानदार और ईमानदार होना चाहिए। और नौवा लक्षण जो आपको बताना चाहिए वह है गपशप और अभिमान का अभाव। तुम्हें अपनी जबान और अपने शौहर और दूसरों के साथ अपनी बातों पर काबू रखनी चाहिए, और अपने शौहर के बारे में दूसरों के बारे में अच्छी बातें न बोलें, और अपने शौहर के बारे में न तो बात करें और न ही अपने शौहरों या दोस्तों और अपने दोस्तों के बारे में भलाई और नेकी की ताकीद करें। बुराई से मना करना और सदा अच्छे दृढ़ वचन बोलो। गपशप और नफरत से दूर रहें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की रक्षा करें और दूसरों की रक्षा करें।
और जान ले कि अपने पति से प्यार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनसे सलाह लेना वैवाहिक जीवन की सफलता के कारकों में से हैं। और अपने घर और घर में अपने आप को शांत करो और अपने घर और अपने पति के रहस्यों को रखो और उनके काम के रहस्य, ये केवल आप और वो जानते हैं। अपने पति पर अहंकार न करें, इस अर्थ में कि आप उसे यह नहीं बताते कि मेरे परिवार ने क्या किया और क्या किया और आपने क्या किया और आपने क्या किया। जान ले कि यह आपके पति के लिए अहंकार और गर्व है। परेशानियों से हमेशा दूर रहें। जहाँ तक दसवीं विशेषता का आपको वर्णन करना चाहिए, वह है स्त्रीत्व और सुंदरता। हमेशा अपने आप को अपनी स्त्रीत्व और सुंदरता में बनाओ और एक बचकाने चेहरे का लेबल लगाओ। अपने पति को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमेशा अपनी स्त्रीत्व और सुंदरता के बारे में उनकी राय ले और अपने कपड़ों और अपने घर को सुंदर और आकर्षक स्त्री इत्र से सुगंधित करें। उसे अपनी सुंदरता दिखाएं और उसे आपको पुरस्कृत करें। और जान ले कि आपके पति की संतुष्टि आपके परिवार और घर की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। और जितना अधिक आप अपने पति की संतुष्टि अर्जित करेगी, आपका जीवन और आपका परिवार उतना ही अधिक सुरक्षित और स्थिर होगा। अंत में जान ले कि मैं आपके स्थिरता और एक शांत वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ और मैं आपके और आपके जीवन में सफलता की कामना करता हूँ। विवाहित जीवन के रहस्यों में से एक के साथ कल मेरा इंतजार करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। द चैनल अलविदा।